आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS Teaching Ocean में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम आए हैं बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के साथ जिसका नाम है डायमंड्स, मींस क्या है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये जो डायमंड्स है ये क्या है एलोट्रोप है कार्बन का, मींस कार्बन का अपरूप है। अब एलोट्रोप से पहले हम क्या समझते हैं एलोट्रोपी, व्हाट इज मीन बाय एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या है। ये जो एलोट्रोपी है मींस क्या है, सेम एलिमेंट्स ऑफ एटम, मींस क्या है एटम के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। डिफरेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए एंड और जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए। एलोट्रोपी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो सेम एलिमेंट है वो एटम के होने चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट एलिमेंट की होनी चाहिए या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरी क्या है जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं एलोट्रोपी। और हमने क्या बोला है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या है एलोट्रोपी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप देखते हैं कि जो एलोट्रोप्स हैं वो होते क्या, एलोट्रोप सारे के सारे किसी के बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब क्या है एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स में क्या था, सबसे पहले सेम एटम एलिमेंट्स जो एलोट्रोपी में था, तो एलोट्रोप्स हो गए। दूसरा क्या हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। तीसरी क्या था, सेम फिजिकल स्टेट, उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी सेम होनी चाहिए। नंबर फोर, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जो एलिमेंट हैं उनकी जो अरेंजमेंट क्या है अलग अलग होगी, उनके बेसिस पे आप इनको क्या है जो फिजिकल स्टेट है जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी अलग अलग होगी। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल की फॉर्म में, हमारे पास क्या है डायमंड और दूसरा क्या हो गया ग्रेफाइट। ये क्या है डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जिसके अंदर क्या है डायमंड और जो ग्रेफाइट है इनके बीच में जो अरेंजमेंट है डिफरेंट है, इसलिए जो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी। बट इनकी जो स्टेट है ये भी क्या हो गया सॉलिड हो गया, सॉलिड और ये भी क्या हो गया सॉलिड हो गया। इनकी जो स्टेट है वो क्या होगी सेम होगी, यानी कि जो फिजिकल स्टेट है उसमें ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, फिजिकल स्टेट तो सेम होगी पर इनकी जो अरेंजमेंट है एलिमेंट की वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, जिसके कारण क्या है इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं जो डायमंड है, जो डायमंड है उसके बारे में चर्चा करते हैं और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती कैसे नहीं बनती उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले क्या है हम डायमंड के बारे में देखते हैं कि डायमंड में क्या क्या चीज़ें। डायमंड, डायमंड क्या है
it is allotropes of carbon. ये क्या है, कार्बन का क्या है, अपरूप होता है. दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका बैड कंडक्टर होता है. इट इज हार्डेस्ट एलिमेंट. अब ये क्या है, सबसे ज्यादा कठोर होता है. जितनी भी आपकी मेटल्स हैं या स्टोन वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह, उन सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. इसलिए एक चीज बोली जाती है, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है. इसलिए जो हीरा है नॉन मेटल होते हुए भी, ये क्या होता है, जितनी भी मेटल्स होती हैं सबसे हार्ड होता है. इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, हार्डेस्ट पार्टिकल. अब हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट is very hard. अब ये क्या होगा, हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत हार्ड होगा. तो हमने क्या देखा, डायमंड क्या, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, फिर क्या, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज हार्डेस्ट एलिमेंट, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हार्ड हाई होगा. अब ये क्या है, 2D, ये 2D स्ट्रक्चर बनाता है. ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर बनाता है, 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. और ये क्या हो गया, ये क्या है, मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर. ये क्या, 2D स्ट्रक्चर बनाता है और क्या है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है. मींस क्या है, इसमें जो एक कार्बन एलिमेंट है वो कई कार्बन एलिमेंट के साथ जुड़ा हो. मींस क्या, ऐसे देख लीजिए, वन कार्बन एटम अटैच्ड विद फोर कार्बन एटम्स. अब ये क्या है, इसका एक कार्बन का जो एटम है फोर कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है. और ये क्या करता है, नंबर एट, ये कार्बन का एटम चार कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो, कार्बन और इस टाइप से. ये एक कार्बन क्या है, आपकी फोर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसी नहीं, उसको देखिए जरा. ये हो गया आपका कार्बन 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 और ऐसे करके. इसकी जो शेप है ऐसे करके ये हो, इसकी कौन सी होती है, टेट्रा हेड्रन. इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल. अब डायमंड को जरा ध्यान से देखें कि हमारे पास क्या था, ये जो इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन होता है, दूसरा क्या था, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, इसके जो चारों के चारों जो कार्बन के पॉइंट हैं ऐसे करके, ये जो चारों के चारों कार्बन के पॉइंट है ये एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच होते हैं. इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता. जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता तो ये क्या करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तीसरा क्या है, इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट. ये क्या, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल्स हैं या जितनी भी नॉन मेटल्स हैं या जो माउंटेन्स वगैरह हो गया, स्टोन हो गया, सबसे क्या होता है, हार्ड होता है. फिर क्या होता है, हार्ड होगा तो ये क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जिसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. ये मेक ए नेटवर्क स्ट्रक्चर. अब ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क सा बनाते हैं. अब ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गया तो ये भी कार्बन क्या, चार कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये भी चार के साथ, ये भी चार के साथ, इसलिए ये क्या, एक नेटवर्क सा बना देते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं. फिर क्या है, वन कार्बन एटम अटैच्ड विद ए
फोर कार्बन एटम। अब एक कार्बन एटम क्या है, कार्बन के चार एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब आप देखें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाते हैं। अब हमने देखा कि इस तरीके से बनाते हैं, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और इजी तरीका है जिससे हम क्या है, जो डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, जो इसकी डॉट्स है, डॉट्स बनानी पड़ेंगी। डॉट्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे होने चाहिए देखे जाए। सबसे पहले 1, 2 ये 3, फिर क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा, ये हो। आपके पास टोटल जो डॉट्स है वो देखे 1, 3, 6, 9, 6, 3, 1। जो टोटल डॉट है वो कितनी होती है, 29। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो 9 नंबर की डॉट है उसमें आपने क्या है, तीसरे नंबर पर और क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 नंबर पर आपने निशान लगा लेना है। इसमें जो तीसरे नंबर की डॉट है और छठे नंबर की जो डॉट है वो किसी के साथ नहीं मिली। अब आपने क्या करना है, पहला काम इन सारी डॉटों को एक दूसरे से मिला देना है अच्छी प्रकार से। जब आप इन सारी डॉटों को मिलाओगे तो आपने ध्यान क्या रखना है, जो तीसरी डॉट है और जो छठी डॉट है उसको आपने किसी के साथ भी नहीं मिलाना है। ये हमने क्या कर दिया, टोटल हमारी कितनी डॉट थी, 29 डॉट्स थी, हमने सभी को मिला दिया। और याद रखने के लिए तीसरे नंबर की जो डॉट है और जो छठे नंबर की डॉट है वो किसी के साथ नहीं मिली। अब हमने क्या करना है, जो ये छठा नंबर है, छठा इसका जो पहला और नौवे का दूसरा, इसको ऐसे, और आपने क्या है इस नौवे के छठे के साथ आपने क्या करना है, छठे का पहला, नौवे का दूसरा और छठे का पहला, ऐसे कैसे आपने नीचे बनाने स्ट्रक्चर। उसमें आपने क्या करना है, छठे का पहला, नौवे का दूसरा और छठे का पहला। अब ऊपर वाला भी देखना, इसमें छठे का पहला, नौवे का दूसरा, छठे का पहला। अब आप इसमें लास्ट नहीं बोलेंगे ताकि आप पजल ना हो, इसलिए आप क्या बोलोगे, छठे का पहला, नौवे का दूसरा और छठे का पहला। ये हो गया। अब आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जो 3 नंबर की डॉट थी इसको भी ले लेना है, तीसरे का जो पहला, छठे का दूसरा और आपने क्या नौवे का जो तीसरा वो छोड़ देना है। तो नौवे का क्या हो जाएगा, चौथे नंबर की डॉट हो जाएगी। और फिर वापस छठे का दूसरा और तीसरे का पहला। फिर दोबारा देखें कि आपने तीसरे का पहला, छठे का दूसरा, नौवे का चौथा, क्यों, क्योंकि आपने तीसरे नंबर की जो डॉट है वो किसी के साथ नहीं मिलानी है। फिर छठे का दूसरा और तीसरे का पहला, ऐसा ही आपने नीचे लेके चढ़ना है। इसमें आप क्या करोगे, तीसरे का पहला, छठे का दूसरा, नौवे का तीसरा। अब इसमें क्या हो गया, छठे नौवे वाले पॉइंट में हमने क्या करना था, जो तीसरा छोड़ना था, अब नीचे से नहीं छोड़ना है। तो अब क्या करेगा, छठे का दूसरा और तीसरे का पहला। फिर दोबारा देखें, छठे का पहला, तीसरे का पहला, छठे का दूसरा, नौवे का तीसरा, छठे का दूसरा और तीसरे का पहला। अब आपने क्या करना है, जिसमें ये वाली एक डॉट थी उसको क्या है, तीसरे के दूसरे और छठे के चौथे के साथ मिला। इसमें भी आपने क्या करना है, इस पहले डॉट को तीसरे के दूसरे और छठे के चौथे के साथ मिला। फिर आपने क्या करना है, इसमें ध्यान रखना कि जो छठा डॉट हो किसी के साथ नहीं मिलेगा। अब डॉट कौन से रह गए, ये वाले, इनको एक दूसरे के साथ मिला। ये जो स्ट्रक्चर किसकी होगी, डायमंड की। और हमने बोला था कि एक जो डायमंड का है, डायमंड के अंदर जो एक कार्बन है वो क्या था,
चार कार्बन के साथ ऐसे करके अटैच है, ऐसे करके अटैच है। और हमने क्या किया था, ये जब आप इसको मैच करते हो, जब आप इसको मिलाते हो ऐसे करके, तो कैसी शेप बना रहा था, ये टेट्राहेड्रल बना रहा था। तो कौन सी शेप बना रहा था, ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहा था। और ये क्या, हमने एक और चीज बोला था, ये क्या डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो गया, क्योंकि इस डायमंड के जो चारों पॉइंट हैं, यानी कि कार्बन है वो चारों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, इसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट है वो फ्री नहीं है जिससे वो मूवमेंट कर सके। जब कोई भी एलिमेंट फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह क्या हो गया, फिर स्ट्रक्चर को दोबारा से देखिए, बड़ी आसान है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डॉट है उसमें एक हो गया, तीन हो गया, छ नौ छ तीन एक, ऐसे डॉट खींच लेने, और डॉटों में भी आपने थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, जिसमें क्या होगा आपकी जो डॉट के ऐसे करके जब आप मिला होगा थोड़ी सी ऐसे जिगजैग टाइप में मिलनी चाहिए, ताकि जो स्ट्रक्चर है डायमंड की वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे सके और बन सके। अब हमने क्या कर दिया, टोटल डॉट आपकी कितनी बनती है, 29। और इसमें आपने ध्यान क्या देखना है कि इसके अंदर जो ये नौ डॉट हैं, इसमें से आपने क्या है, जो तीसरे नंबर की डॉट है और जो छठे नंबर की डॉट है, इस पे आपने पेंसिल से निशान लगा लेना। जब आप पेंसिल से निशान लगाओगे तो आपको याद रहेगा कि ये तीसरे नंबर की डॉट और छठे नंबर की डॉट किसी के साथ नहीं मिलेगी। तो फिर आपने क्या करना है, इन सारी डॉटों को ऐसे करके मिला देना। जब ये सारी डॉटें मिल जाएं, तो फिर पहला स्टेप क्या है, इसमें छठे का पहला, नौवे का दूसरा और छठे का पहला, जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे क्या करना है, छठे का पहला, नौवे का दूसरा, छठे का पहला, ये ऊपर नीचे दोनों स्टेप सेम होंगे। अब आपने क्या करना, इधर तीसरे का पहला, छठे का दूसरा, नौवे का चौथा, नौवे का चौथा क्यों, क्योंकि नौवे के अंदर जो तीसरे नंबर पर डॉट थी वो छोड़ दी। फिर आपने क्या है, छठे का दूसरा और तीसरे का पहला, ऐसा कैसा आपने नीचे करना है, उसमें क्या करोगे आप, तीसरे का पहला, छठे का दूसरा, नौवे का चौथा, छठे का दूसरा और तीसरे का पहला, अब ये मिला दिए। उसके बाद जो अकेली डॉट थी, इस अकेली डॉट को क्या करना है, तीसरे के दूसरे और छठे के चौथे, ऐसी प्रकार इस साइड जो पहली डॉट थी उसको, पहली डॉट को तीसरे के दूसरे और छठे के चौथे के साथ मिलाना है। और इसमें एक डॉट हमने छोड़ रखी थी छठे नंबर पे है, वो किसी के साथ नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी तो हमारे पास ये डॉट रहेगी। तो हमने क्या, तीसरे का जो छठे का तीसरा, नौवे का पांचवा और क्या है, छठे का तीसरा, ये जो आपने बना दी, तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डायमंड की है। डायमंड का मतलब क्या है, इसके अंदर कार्बन चारों तरफ से कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। अब कार्बन के साथ अटैच है तो इसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट हो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता। मींस क्या है, ये चार बॉन्ड बनाते हैं, कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, जिसमें जो एलिमेंट है वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता। जब एलिमेंट फ्री मूवमेंट नहीं करेगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए क्या है, डायमंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है और ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और उसके बावजूद जितनी भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या जितनी भी स्टोन वगैरह माउंटेन्स वगैरह, सबसे क्या होता, हार्ड होता है। इसलिए कहावत है, बोली जाती है, डायमंड कट्स डायमंड्स, हीरा हीरे को काटता है, ये क्या बहुत हार्ड होता है। इसी क्वालिटी के कारण ये क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई होता है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।